नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आरपीएफ के आईजी एस मयंक पहुंचे दरभंगा स्टेशन, किया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विशेष बैठक। छठ पूजा को लेकर के यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इस भारी भीड़ में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके भी लेकर के खास बैठक किया गया, जिसमें आरपीएफ कमांडर ए के लाल, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, विजय कुमार, जीआरपी इंस्पेक्टर मोहम्मद हारून समेत स्थानीय थाना ललित नारायण विश्वविद्यालय के प्रभारी सत्य प्रकाश भी मौजूद थे। उन्होंने वहां में हेल्प के जो जारी किया गया आरपीएफ के द्वारा, साथ ही साथ कोरोना को लेकर के वहां पर जो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन सेंटर भी चालू किया गया दरभंगा स्टेशन पर, उसकी भी समीक्षा की। साथ ही साथ यात्रियों के ठहरने को लेकर के और कर्मचारियों के विश्रामालय में का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ये उनका पहला दौरा था जिसको उन्होंने यहाँ पे किया है, और वो मुजफ्फरपुर से सीधे दरभंगा आज पहुँचे और यहाँ की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक विशेष बैठक की। इस बैठक को लेकर के उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा, सुनते हैं। छठ के श्रद्धालु हैं वो बाहरी जगह बाहर स्थान से आए हैं और फिर वापस अपने जगह पे जाएंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, उनको जो समुचित व्यवस्था ठीक से किया जा सके जिसको उनको वापसी पे तकलीफ न हो, उसके लिए हम यहाँ पर देखने के लिए मिले। और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल ही सुचारू रूप से, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, जितने भी हमारे एक भाई लोग जो वापस जाना चाह रहे हैं यहाँ से अपने दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर, जहाँ भी जा रहे हैं, तो यहाँ से जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो कितने नियमित तरीके से, अच्छे स्मूथ तरीके से कैसे उनकी जर्नी को सुचारू और अच्छा बना सके, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर, आपने क्या दिशा निर्देश दिया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को? दिशा निर्देश अभी ये दिया गया है कि सबसे जो प्राइम फोकस है वो हमारा पैसेंजर सेफ्टी है, कि कहीं पर कोई पैसेंजर भीड़ भाड़ में लोग दौड़ के चढ़ते, तो मैं आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोग को मैं ये भी आग्रह करूँगा कि चलती गाड़ी से ये चढ़ने का प्रयास न करें। गाड़ियों काफ़ी गाड़ियाँ हैं, 46 गाड़ियाँ यहाँ रोज़ से निकलती है बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पर कोई तकलीफ होगा। हमारे पास जो जीआरपी है, आरपीएफ स्टेशन के जो स्टाफ है, सबके साथ समन्वय करके आपस में लोगों को व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कि स्टाफ किसी भी यात्री को किसी तरह की असुरक्षा की भावना न रहे, उनकी यात्रा असंरक्षित ना हो। सर, सुरक्षा के मद्देनज़र की बात करें तो लगातार आतंकी संगठन यहाँ पर का जगह रहा है, निशाना रहा है, पिछले दिनों इस तरह का मामला भी सामने आया था, तो उस सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरह का दिशा निर्देश देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा जो है, जो किसी प्रोटोकॉल्स है, जैसे जो आपने दरभंगा घटना का जो आप बता रहे हैं उस पर देखिए नई कार्रवाई चली रही है उसके ऊपर, और ऐसे भी जो जीआरपी और आरपीएफ का समन्वय है बहुत अच्छा है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो रेल का जो सिस्टम है वो सुरक्षित है, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारे पास मैन पावर है, इंटेलिजेंस का मैन पावर, रूटीन डिप्लॉयमेंट हो, हाई प्रोफाइल प्रेजेंस हो, वो सब सुनिश्चित करते हैं। लेकिन एक बड़ी तब ये बात है कि इतने दिन बीतने के बाद लगातार डीआरएम साहब या सब लोग हैं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा अभी तक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नहीं लग पाया, ये कब लगेगा, क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है? ये प्लान देखिए, ये एक फेस बैनर में सब जगह लग रहा है, यहाँ भी लगेगा, ये आप आश्वस्त रहिए ऊपर सीसीटीवी लगेगा। सर, लगातार रेलवे की तरफ से भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कहा ही जाता है, प्रकार होता नहीं है इम्प्लीमेंट। सर, क्योंकि आप मध्य रेल के आईजी हैं और आप ऐसे जगह पर, अगर सीसीटीवी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लग जाता है तो सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर, और हम लोग बहुत कैफियत होती है सीसीटीवी के रहने से, और हम लोग सीसीटीवी सूचित करेंगे वो जल्दी जल्दी आपको टाइम फ्रेम मैं नहीं दे पाऊँगा, सर यात्रियों को अनाउंसमेंट से भी जागरूक किया जा सकता है, क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था है? कमर्शियल के साथ हम समन्वय कर रहे हैं कि जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्वच्छ क्लियर अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो भी है, और प्लस लगातार जो है सुरक्षा संबंधी अनाउंसमेंट तो हम लोग करवाते ही रहते हैं, उसको और हम लोग और उसको मुक्त और मजबूत बनाएंगे।
सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आरपीएफ का पोस्ट जो है जो कुछ दिन जरूर यहाँ काम करता है जनता को सुने, लेकिन फिर बाद में ओ प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जनता के बीच देखिए, हम सब जनता के सेवा के लिए हैं, तो जनता का सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी कुछ दिन काम करेंगे तो फिर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे कपड़े सारे समस्ती कुछ से आए, वो लगातार ये देखते रहते हैं कि जो बेसिक ड्यूटी जो है सर, दरभंगा रेलवे स्टेशन के अलावा और कहाँ कहाँ पर आपने विजिट किया और क्या? मैं आज मुजफ्फरपुर गया था, मुजफ्फरपुर मैंने देखा वहाँ व्यवस्था के जाने के, वहाँ पर इस तरीके से आप बैठे, उनके साथ बहुत ही फ्रूटफुल बैठक हुई है और इंस्ट्रक्शन मुजफ्फरपुर ने भी दिया है और अभी यहाँ पर और कहाँ कहाँ अभी तो सिर्फ आज तो सिर्फ दो ही कर रहा हूँ। लगातार ये चल रहा है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, समीक्षा करना तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो लगातार सिस्टम को कैसे और सुदृढ़ और कितना अच्छा बना सके हमारा काम। थैंक यू।